हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दैट एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम एसेसरी लिस्ट डॉट एक्सएमएल को क्रिएट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी जावा फाइल को क्रिएट किया था। ओके, तो अभी हम एक्सएमएल फाइल में आ जाते हैं, एसेसरी लिस्ट डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे आने के बाद अभी हम रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम रिसाइकलर व्यू को यूज़ करेंगे। ओके, तो रिसाइकलर व्यू का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा रिसाइकलर व्यू। तो आप देख सकते हैं हमने जैसे रिसाइकलर व्यू इम्प्लीमेंट किया खुद ब खुद इतना आ चुका है। तो अभी हमें विड्थ मैच पैरेंट यूज़ करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ मैच पैरेंट, एंड हाइट भी हम दे देंगे मैच पैरेंट। एंड इस रिसाइकलर व्यू को हम आईडी डिफाइन कर देंगे। तो मैं आईडी दे देता हूँ आईडी @ID, एंड इसका नेम लिख देंगे हम रिसाइकलर व्यू। कैपिटल आर दे देता हूँ रिसाइकलर व्यू। ओके, आर व्यू। इसके बाद हमें मार्जिन टॉप यूज करनी होगी। तो मार्जिन टॉप क्यों यूज करनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे टूल बार रहेगा इतने स्पेस में, एंड कम्प्लीटली स्क्रीन में हमारा रहेगा रिसाइकलर व्यू, इसलिए हम मार्जिन टॉप यूज करेंगे। तो मार्जिन टॉप में कितना दे देता हूँ 60 dp। तो हम टाइप कर देते हैं मार्जिन टॉप 60 dp। ये होने के बाद इसको हमें क्लोज करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसको। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि हम रिसाइकलर व्यू में एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं क्लास, एंड एक प्रोडक्ट एडाप्टर क्रिएट करते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा। तो हम प्रोडक्ट में क्या करेंगे, एक हम इमेज को डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारे रिसाइकलर व्यू में एक इमेज रहेगा, एक नेम रहेगा, एंड उसकी प्राइस भी रहेगी, एंड उसका डिस्क्रिप्शन भी रहेगा। ओके, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैकेज नेम पे जाएंगे, एंड यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे न्यू, एंड यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे जावा क्लास, एंड यहाँ पे क्या टाइप करेंगे प्रोडक्ट, कैपिटल P आपको यूज करना है प्रोडक्ट, एंड हम एंटर पे प्रेस कर देंगे। इसके बाद अभी हमें एक एक डिफाइन करना होगा, जैसे मैंने बोला था नेम, फोटो, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पब्लिक स्ट्रिंग, आपको कैपिटल S यूज करना है स्ट्रिंग, एंड सबसे पहले हम डिफाइन कर देंगे, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, मैं प्राइस डिफाइन कर देता हूँ। एंड प्राइस हमारी किस में रहेगी, स्ट्रिंग में, इसलिए हमने डेटा टाइप क्या यूज़ किया है स्ट्रिंग। सेम हम यूज करेंगे प्राइवेट, एंड ये भी हमारी क्या रहेगी, जो नेम रहेगा वो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप में रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नेम। अगेन आपको डेटा टाइप प्राइवेट यूज करना है स्ट्रिंग, एंड फोटो। ठीक है, तो आप बोलोगे स्ट्रिंग हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है, तो देखो जो भी हमारा ड्रॉबल रहेगा तो नेम से ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे फोटो में स्ट्रिंग को यूज किया है। ओके, ये होने के बाद आपको एंटर करना है, एंड एक्सेस मॉडिफायर भी आपको प्राइवेट ही देना है स्ट्रिंग, एंड डिस्क्रिप्शन। ये होने के बाद आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ओके, ये इतना मैटर नहीं करता है। ये होने के बाद अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, एंड गेटर एंड सेटर क्रिएट करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है, एंड ये जो जनरेट का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, एंड ये जो फर्स्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंस्ट्रक्टर, उसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड जैसे हम कंस्ट्रक्टर पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। सेम हमें प्रोसेस गेटर एंड सेटर के लिए भी करनी है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, जनरेट पे क्लिक करना होगा आपको, एंड ये होने के बाद आपको गेटर एंड सेटर का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, एंड आपको शिफ्ट प्रेस करके डाउन करना है, ये खुद ब खुद पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे जैसे हमने कंस्ट्रक्टर के लिए किया था। इसको सिलेक्ट होने के बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा गेटर एंड सेटर भी क्रिएट हो चुका है, एंड कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमारा प्रोडक्ट का जो भी वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट एडाप्टर क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हमें पैकेज नेम पे आना होगा, राइट क्लिक करना होगा न्यू, एंड जावा क्लास, यहाँ पे भी आपको टाइप करना है जैसे हमने प्रोडक्ट क्रिएट किए थे, सेम आपको प्रोडक्ट एडाप्टर यूज करना है। तो प्रोडक्ट एडाप्टर, तो आप देख सकते हो हमने प्रोडक्ट एडाप्टर क्रिएट कर दिया है, अभी आपको बस एंटर करना है। ओके, ये होने के बाद हमें यूज करना है यहाँ पे
क्लास, तो हम पब्लिक क्लास प्रोडक्ट एडाप्टर के बाहर आ जाएंगे एंड खुद से हम क्लास क्रिएट करेंगे माय व्यू होल्डर के नेम से। क्लास माय व्यू होल्डर हम नेम दे देंगे, आपको कैपिटल वी देना है, व्यू एंड होल्डर। ये होने के बाद आपको एक्सटेंड करना है किसके साथ, तो रिसाइकलर व्यू के साथ, रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पे हमने डॉट अच्छे से नहीं दिया, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू अच्छे से आपको टाइप करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू आ चुका है। डॉट व्यू होल्डर, ये जो हमने व्यू होल्डर यूज़ किए थे वही उसको यूज़ करना है, व्यू होल्डर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इस क्लास को तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी क्लोज हो चुका है। एंड अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरर शो हो रहा है इसको रिजोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट लेफ्ट क्लिक करना होगा एंड ये जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड क्रिएट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बस क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद कोड आ जाएगा। ओके, तो ये होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैन्युअली कोड टाइप करेंगे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ खुद से पहले एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे लेआउट इन्फ्लुएटर। एंड इसका नेम भी हम डिफाइन कर देंगे इन्फ्लेटर कॉमा व्यू ग्रुप, सेम आपको नेम प्रोवाइड करना है पेरेंट। इसको आपको क्लोज कर देना है ब्रैकेट से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे आइटम व्यू को एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे ये जो इन्फ्लेटर था इसको ही हम प्रोवाइड कर देंगे, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। एंड यहाँ पे हम एक लेआउट फाइल प्रोवाइड कर देंगे, आर डॉट लेआउट डॉट थ्रो आइटम। ये होने के बाद आपको पेरेंट प्रोवाइड कर देना है, ये जो हमने टॉप में यूज किया था व्यू ग्रुप में वही पेरेंट को आपको यूज करना है एंड इसको हम प्रोवाइड कर देंगे फॉल्स। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है रो आइटम के नेम से। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फाइल क्रिएट करनी होगी लेआउट फाइल में। तो मैं क्रिएट कर देता हूँ, लेआउट में चला जाता हूँ। पहले तो हम इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से। इसके बाद हम लेआउट में राइट क्लिक करेंगे, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल एंड जो हमने कॉपी किए थे फाइल नेम को वहां पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रो आइटम शो हो रहा है एंड अभी हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेआउट फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अभी हमने रो आइटम एक्सेल फाइल को क्रिएट कर दिया, अभी हम स्पीड पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे अभी हम वर्क करेंगे। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कंस्टेंट लेआउट दिखाई दे रहा है इसको चेंज करना होगा। तो मैं इसको बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ लीनियर लेआउट। तो ये जो सेकेंड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको सिलेक्ट कर देना है एंड इसकी ओरिएंटेशन डिफाइन करना होता है हमें लीनियर लेआउट में। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ओरिएंटेशन, हम प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल। ओके, तो अभी हमारा लीनियर लेआउट का वर्क हो चुका है। अभी इसके नीचे हमें आना होगा एंड यहाँ पे हम कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे कार्ड व्यू, इसकी विड्थ हम प्रोवाइड करेंगे मैच पेरेंट, क्योंकि ये कंप्लीट पूरे होरिजेंटल में रहेगा इसलिए विड्थ हमने दिए मैच पेरेंट एंड हाइट मिनिमम इसकी 300 dB प्रॉपर रहेगी, तो इसलिए मैं दे देता हूँ 300 dB। तो हम कार्ड व्यू की आईडी भी डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले आईडी एट द रेट आईडी कार्ड वन। ये होने के बाद अभी आपको क्या करना है, मार्जिन होरिजेंटल भी दे देना है। तो हम प्रोवाइड करेंगे लेआउट मार्जिन हॉरिजॉन्टल 20 dB। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद आपको जैसे हमने हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड किया था वैसे वर्टिकल भी प्रोवाइड करना है।
तो हम प्रोवाइड करेंगे लेआउट मार्जिन वर्टिकल, इसको हम 15 डीपी ही दे देंगे। एंड कार्ट कॉर्नर रेडियस, ये जो यहाँ पे थोड़ा एल शेप में आना चाहिए, मीन्स यहाँ पे कर्व रहना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना का? टाइप करना पड़ता है कार्ट कॉर्नर रेडियस, कितना हम दे देंगे तो मिनिमम 20 डीपी बेटर रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा चेंजेस दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा कर्व हो चुका है, तो इसका यूज होता है कार्ड कॉर्नर रेडियस का। एंड कार्ड एलिवेशन हम यूज कर लेते हैं, कार्ड एलिवेशन हम प्रोवाइड कर देंगे 10 डिग्री। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ कार्ड व्यू को, तो आप देख सकते हो अभी हमारा जो शेप रहता है कार्ड व्यू का वो आ चुका है, बट इसको हमें अच्छे से क्लोज करना होगा, इसको ऐसे इसमें नहीं करना है। तो इसको आपको क्या प्रोवाइड करना है, एरो देके इसको क्लोज कर देना है, क्योंकि इसके अंदर में भी कोड रहेगा कार्ड व्यू के अंदर में। तो हम कार्ड व्यू के अंदर में यूज करेंगे कंस्ट्रेंट लेआउट को, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैनुअली कंस्ट्रेंट लेआउट, एंड इसकी विड्थ हम दे देंगे मैच करेंट, एंड हाइट दे देंगे 300 डीपी जो हमने यहाँ पे यूज की थी। ये होने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, एंड बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर लेना है वाइट, तो वाइट का कोड क्या होता है #FF। ओके, इसके बाद आपको अगेन आपको कंस्टेंट लेआउट को भी क्लोज करना होगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड इसके बाद अगेन आपको ये यहाँ पे कंस्टेंट लेआउट के अंदर में कंस्टेंट लेआउट यूज करना है, तो सेम आपको क्या करना होगा, टाइप करना होगा कंस्टेंट लेआउट को, इसकी विड्थ हमें देनी होगी मैच पैरेंट, एंड हाइट आपको देनी है 0 डिग्री, एंड मार्जिन एंड हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से, ये जो दिखाई दे रहा है मार्जिन एंड, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसको टाइप करेंगे हम 16 डीपी को। ये होने के बाद अगेन एंटर करेंगे, एंड यहाँ से जो हमने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया था वाइट, यहाँ पे भी वही बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे। ये होने के बाद अभी हम किसके नीचे आना चाहिए, तो हम यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ पैरेंट, ये जो दिखाई दे रहा है आपको लेआउट कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ, ये आपको सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको बस पैरेंट प्रोवाइड कर देना है। ये होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है, एंड जैसे बॉटम में यूज किए थे अभी हम कंस्टेंट एंड का यूज करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है लेआउट कंस्टेंट एंड टू एंड ऑफ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, एंड सेम आपको पैरेंट में प्रोवाइड कर देना है पैरेंट। एंड सेम हम प्रोवाइड कर देंगे कंस्ट्रेंट टू टॉप ऑफ, ये होने के बाद अगेन हम प्रोवाइड करेंगे पैरेंट। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कंस्ट्रेंट वर्टिकल बायस, तो आपको टाइप करना है मैन्युअली, ये जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल आपको सिलेक्ट नहीं करना है, वर्टिकल। एंड यहाँ से हम प्रोवाइड कर देंगे 0.0, तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट लेआउट का वर्क हो चुका है, बट हमने इस कंस्ट्रेंट लेआउट को क्लोज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इसको मैं सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर में एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करेंगे, तो मैं इसको मैन्युअली टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू, तो इसकी विड्थ हम डिफाइन करेंगे रैप कंटेंट टेक्स्ट व्यू के, एंड हाइट भी हम डिफाइन करेंगे रैप कंटेंट, एंड इसकी हम आईडी प्रोवाइड कर देंगे @id, एंड इसका आईडी का नेम क्या रहेगा हमारा प्रोडक्ट टाइटल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो मैं इसका पहले सबसे पहले टेक्स्ट लिख दे देता हूँ क्योंकि अच्छे से देखना चाहिए हमें। तो टेक्स्ट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कोई भी रेसिपी नेम मीन्स हम पिज़्ज़ा ही प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिज़्ज़ा शो हो रहा है, तो अभी हम मार्जिन लेफ्ट यूज़ करेंगे सबसे पहले। मार्जिन लेफ्ट हमारा क्या रहेगा, तो 16 डिग्री रहेगा, एंड मार्जिन राइट क्या रहेगा 16 डीपी। ओके, तो आप देख सकते हो हमने मार्जिन राइट भी दे दिया है। ये होने के बाद अभी आपको ग्रेविटी सेंटर कर देना है, क्योंकि
ये जो टेक्स्ट व्यू रहेगा वो इमेज व्यू के बाजू में रहेगा, मीन सेंटर में रहेगा। तो ग्रेविटी हम प्रोवाइड कर देंगे सेंटर, ये होने के बाद अभी हमें प्रोवाइड करना है पैडिंग। सभी तरीके से इसको थोड़ी स्पेस चाहिए इसलिए हम पैडिंग का यूज करते हैं, तो इसको हम थोड़ा कम ही रखेंगे, पैडिंग 3 dp हम यूज करेंगे। अभी मार्जिन बॉटम, तो लेआउट मार्जिन बॉटम आपको यूज करना है 100 dp। अभी हम प्रोवाइड कर देंगे टेक्स्ट कलर, क्योंकि अच्छे से शो नहीं हो रहा ये जो पिज्जा है वो, तो कलर में शो होना चाहिए, तो टेक्स्ट कलर हम प्रोवाइड करेंगे कलर ब्लैक हैश कलर, ये ऑलरेडी डिफाइन होता है तो इसलिए हम हैश कलर ब्लैक का यूज करेंगे। ओके, ये होने के बाद इसका मैं साइज बढ़ा देता हूँ, जो भी हमारा टेक्स्ट व्यू रहेगा तो हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट साइज, तो टेक्स्ट साइज हम 18 SP कर देते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें मैनुअली टाइप करना है कंस्ट्रेंट टू बॉटम ऑफ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमने ऊपर में प्रोवाइड किया वही हमको प्रोवाइड करना है कंस्ट्रेंट टू बॉटम ऑफ। ओके, तो हम मैनुअली टाइप कर देते हैं कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे पैरेंट। ये होने के बाद आपको एंटर करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी पिज्जा शो हो रहा है, नीचे आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी इमेज व्यू रहेगी उसके नीचे ही हमारा टाइटल रहेगा। ओके, तो अभी हम हॉरिजेंटल बायस भी प्रोवाइड करना होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजेंटल बायस इसको आपको सिलेक्ट कर देना है, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे 0.0। होने के बाद आपको एंटर करना है एंड लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ प्रोवाइड आपको कर देना है, लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसको हमें प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे पैरेंट, अगेन हम एंटर करेंगे एंड सेम हम प्रोवाइड करेंगे राइट टू राइट ऑफ, ये जो दिखाई दे रहा है आपको राइट टू राइट ऑफ यहाँ पे भी हम प्रोवाइड कर देंगे पैरेंट। तो आप देख सकते हो अभी हमारा अच्छे से यहाँ पे टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो हमने इसको क्लोज नहीं किया इसलिए एरर शो हो रहा था। तो अभी हमारा जो टाइटल होता है उसका तो वर्क हो चुका है, अभी हमें क्रिएट करना है इसके प्राइस का नेम। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट में, यहाँ पे हमने क्या लिखे थे, सबसे पहले नेम, तो जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसका नेम तो डिक्लेयर कर दिए, तो अभी हम प्राइस को डिफाइन करेंगे। तो प्राइस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम टेक्स्ट व्यू का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ टेक्स्ट व्यू, एंड विड्थ इसकी रहेगी रैप कंटेंट एंड हाइट भी इसकी हम प्रोवाइड करेंगे रैप कंटेंट, एंड इस टेक्स्ट व्यू की आईडी डिफाइन करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल यूज किए थे, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट प्राइस। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ @IDI प्रोडक्ट प्राइस, इसके बाद हम यूज करेंगे मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट, ये जो हमने यहाँ पे यूज किए थे सेम यहाँ पे भी हमें यूज करना है, बस इसके नीचे में रहेगा। ओके, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट, तो टाइप करने से अच्छा हम इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट। ओके, ये होने के बाद अभी हमें ग्रेविटी एंड पैडिंग भी प्रोवाइड कर देने, तो ये तो सेंटर में ही रहेगा तो इसको भी हम कॉपी करेंगे, बस आपको पैडिंग थोड़ी ज़्यादा रखनी है, 5 dp कर देनी इसको, तो पैडिंग हम यूज़ करेंगे 5 dp। ये होने के बाद हमें टेक्स्ट यूज़ करना होगा, तो इसके प्राइस का टेक्स्ट क्या रखेंगे हम, मिनिमम $5, सॉरी कुछ तो भी 3 digit में रख देते हैं, तो 9.87 इज बेटर मेरे हिसाब से। तो हम टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं एंड डॉलर का सिंबल आपको चूज कर लेना है। ओके, तो मैं डॉलर का सिंबल दे देता हूँ 9.87। ये होने के बाद अभी आपको मार्जिन बॉटम यूज करना है, तो लेआउट मार्जिन बॉटम में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से बस कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से आपको मार्जिन बॉटम यूज करना है 69 dp,
एंड टेक्स्ट साइज हमें प्रोवाइड करना है 14 SP, इससे थोड़ा कम रहेगा क्योंकि ये हमारा टाइटल रहेगा, तो इससे नहीं थोड़ा कम रहेगा, इसलिए हम क्या प्रोवाइड कर देंगे 14 SP। ओके तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज होने के बाद इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ये जो चार दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको जैसे मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अभी हमारा कम्प्लीटली प्रोडक्ट प्राइस का वर्क हो चुका है, जो भी हमारा रेसिपी का प्राइस होता है वो तो हमने डिफाइन कर दिया है। अभी हम प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन, जो हमारा जैसे पिज़्ज़ा रहेगा तो उसका डिस्क्रिप्शन भी रहेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट व्यू का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू, इसके हम विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर देंगे। तो विड्थ हम दे देंगे 2260 पी, एंड हाइट हम प्रोवाइड करेंगे रैप कंटेंट, ये होने के बाद हम प्रोवाइड करेंगे इसकी मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन स्टार्ट हम प्रोवाइड करेंगे अगेन 20 dp। ओके ये होने के बाद आपको सेम इसकी आईडी भी डिफाइन कर देनी है, जैसे ऊपर में हमने प्रोवाइड किया था आईडी प्रोडक्ट प्राइस, तो इसकी आईडी हम प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है, एंड सेम हम प्रोवाइड करेंगे मार्जिन हॉरिजॉन्टल। तो अभी मैं टेक्स्ट डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छे से टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, तो हम टेक्स्ट दे देंगे। टेक्स्ट में आपको कुछ भी लिख देना है पिज्जा से रिलेटेड, तो पिज्जा से रिलेटेड आप कुछ भी, दिस इज द बेस्ट, हाँ रैंडमली मैं कुछ भी पिज्जा ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ भी डिफाइन कर देता हूँ जो भी मन में आता है। ओके तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी एंटर कर दिया। ये होने के बाद अभी आपको इसका टेक्स्ट कलर भी प्रोवाइड करना होगा, तो मैं टेक्स्ट कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेक्स्ट कलर हम दे देंगे ब्लैक, अंडर इट कलर ब्लैक। ये होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है, एंड यहाँ से मैं प्रोवाइड कर देता हूँ टेक्स्ट साइज, तो टेक्स्ट साइज हम दे देंगे 14 SP। मार्जिन बॉटम भी हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, तो लेआउट मार्जिन बॉटम रहेगी 14 SP। बॉटम टू बॉटम ऑफ भी हमें प्रोवाइड करना होगा, लेआउट कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ प्रोवाइड हम करेंगे पैरेंट। तो जैसे हम यहाँ पे बॉटम टू बॉटम ऑफ प्रोवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ये होने के बाद अभी हम लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ भी प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। ओके मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है डिस्क्रिप्शन का। ओके तो इस टेक्स्ट व्यू को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ प्रोडक्ट में जाके, तो हमारा प्राइस नेम डिस्क्रिप्शन इसका कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, बस अभी रिमेन है तो फोटो। ओके तो फोटो का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, तो हमारी फोटो जो रहेगी ये कंस्ट्रेंट लेआउट के बाहर रहेगी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कंस्ट्रेंट लेआउट इसके बाहर रहेगी। तो मैं इसके बाहर आ जाता हूँ एंड एंटर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बैक स्पेस से इसको पहले स्पेस को रिमूव करेंगे एंड इस कंस्ट्रेंट लेआउट के बाहर आ जाएंगे, एंड यहाँ पे हम मैन्युअली टाइप करेंगे इमेज व्यू, इसकी विड्थ हम प्रोवाइड करेंगे रैप कंटेंट, एंड इसके हाइट डिफाइन करेंगे हम 150 dp। इसके बाद हम इस इमेज व्यू की हाइट भी दे दें, सॉरी आईडी डिफाइन करेंगे, हाइट तो हमने ऑलरेडी दी है 150 dp, तो ये 150 dp बेटर रहेगा, ठीक है, रेसिपी एप्लीकेशन की इमेज के लिए। तो इसकी हम इमेज की आईडी डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट इमेज,
अभी हमें स्केल टाइप भी यूज़ करना पड़ेगा, तो स्केल टाइप सेंटर क्रॉप करेंगे, क्योंकि अगर स्केल टाइप यूज़ करते तो जो इमेज रहेगी वो अच्छे से विजिबल रहेगी, तो इसलिए हम स्केल टाइप सेंटर क्रॉप यूज़ कर लेते हैं। ये होने के बाद हमें सोर्स यूज़ करना होगा, तो सोर्स हमारी क्या रहेगी, एक इमेज रहेगी, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसकी इमेज, ठीक है। तो आपको सोर्स यूज़ नहीं करना है इमेज में, सोर्स कॉम्पैक्ट यूज़ करना है, तो सोर्स कॉम्पैक्ट में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं फोल्डर में चला जाता हूँ, ये जो आपको इमेजेस दिखाई दे रही है कंप्लीटली इमेज में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ ये पांचों भी इमेज को। इसको कॉपी करूंगा एंड ड्रॉबल में आ जाता हूँ एंड कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। अगेन ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाँचों भी हमारी इमेजेस पेस्ट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सोर्स कॉम्पैक्ट में अंडर ए ड्रॉबल, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे सोर्स। तो जैसे हम यहाँ पे सोर्स टाइप करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा एंड्रॉयड सोर्स एंड यहाँ से हम इमा 1 जो हमारी इमेज का नेम है इमा 1 इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ इमा 1, तो आप देख सकते हो अभी इमेज अच्छे से शो हो रही है। ये होने के बाद अभी हमें क्या करना है, इसको एंड टू एंड ऑफ भी करना होगा, तो बैकस्पेस कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ एंड टू एंड ऑफ। हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एंड टू एंड ऑफ को पैरेंट, ओके। ये होने के बाद अभी हम एंटर करेंगे यहाँ से एंड इसकी विड्थ भी प्रोवाइड करेंगे कंस्टेंट विड्थ, तो कंस्टेंट विड्थ को आपको दे देना है। 2 मिनट पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंस्टेंट विड्थ आपको ट्रू प्रोवाइड करना है, ओके। ये होने के बाद अगेन हम एंटर करेंगे इसको एंड होरिजेंटल बाय जो हमने टॉप में यूज़ किए थे सेम आपको यूज़ करना है इसको, तो होरिजेंटल बायस में मैन्युअली टाइप कर देता हूँ। जीरो पॉइंट जीरो ये होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड लेफ्ट टू लैपटॉप यूज करना है यहाँ पे, लेफ्ट टू लैपटॉप सेम आपको प्रोवाइड करना है पैरेंट। अगेन आपको एंटर करना है एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको राइट टू राइट आउट, यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना है पैरेंट। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है टू स्टार्ट टू स्टार्ट आउट, आपको ध्यान में रखना है ये जो नीचे में दिखाई दे रहा है स्टार्ट टू स्टार्टअप इसको ही आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे भी हम प्रोवाइड करेंगे पैरेंट, ओके। ये होने के बाद एंटर करेंगे हम एंड लास्ट टॉप टू टॉप ऑफ, टॉप टू टॉप ऑफ हम प्रोवाइड करेंगे पैरेंट, ओके। तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है, हमने हॉरिजॉन्टल बायस एंड सभी चीजें कर ली है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इमेज व्यू को, तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है तो इसलिए हमें क्लोज करना जरूरी है, ओके। तो अभी हमारा वर्क हो चुका है प्रोडक्ट एडाप्टर का एंड रो आइटम डॉट एग्जाम्पल का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जावा फाइल का पार्ट करने वाले हैं, जो हमने प्रोडक्ट एडाप्टर क्रिएट किया है तो उसको हम यहाँ पे एक एक चीजें डिफाइन करना होगा, जो हमने यहाँ पे प्राइस नेम डिस्क्रिप्शन टाइटल तो इसी को हमें प्रोडक्ट एडाप्टर में डिफाइन करना होगा, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।